स्टूडेंट दिस इज साई सर विद योर इंग्लिश क्लासेस हाउ आर यू स्टूडेंट्स ओके आई होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट आवर चैप्टर इज रंगास मैरिज एंड लास्ट टाइम वी हैव रीड इट फर्स्ट पैसेज एंड टुडे वी हैव रीड इट सेकेंड पैसेज क्या कहता है सेकेंड पैसेज में वो कह रहा है कि हमारे गाँव का एक ही लड़का था जो बाहर पढ़ने के लिए गया था अकाउंटेंट का तो मैं एक दिन उनके घर गया तो क्या हुआ उस दिन देखिए वो कह रहा है कि रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट रामा राव का बेटा उसका मूल्य देने के लिए बाहर आया जो एक लेडीज उसके घर लकड़ियां लेकर आई थी बेचने के लिए उसकी पेमेंट करने के लिए रामा राव का लड़का घर से बाहर आया ही आस्क्ड द वोमैन उसने वोमैन से पूछा हाउ मच शुड आई गिव यू कितना पैसा है जो मुझे आपको देना है फोर पैसे सी सैड उसने कहा चार पैसे द बॉय टोल्ड हर बच्चे ने उससे कहा ही डिड नॉट हैव एनी चेंज एंड आस्क्ड हर टू कम टू द नेक्स्ट मॉर्निंग क्या क्या उसने कि मेरे पास चेंज नहीं है आप अगली सुबह आ जाइए इसके लेने के लिए द पुअर वोमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज वो जो बूढ़ी औरत थी बेचारी वो नहीं समझ पाई थी कि चेंज का मतलब क्या है हिंदी में एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ और वापस चली गई कुछ बुड़बुड़ाते हुए जैसे बुढ़ा बुढ़ा समझ में नहीं आता ना वो कहता है क्या ये है वो ऐसे बुड़बुड़ाते हुए वो वापस चली गई गुनगुनाते हुए आई टू डिड नॉट नो मुझे भी ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगास हाउस एंड आस्क्ड हिम बाद में जब मैं रंगा के घर गया उसके बाद में मैंने पूछा उससे आई अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन तब मुझे समझ में आया कि इसका मतलब क्या है This priceless commodity, the English language was not so widespread in our village a decade ago. वो कह रहा है ये अमूल्य चीज़ है अंग्रेजी भाषा का प्रचलन हमारे गाँव में ज़्यादा नहीं था यानी बहुत कम बहुत दिनों तक ऐसा नहीं रहा था बहुत व्यापक नहीं था 10 वर्ष पूर्व भी इतना नहीं था That was why Ranga's home became was a great इवेंट बस यही कारण था कि रंगा का जो घर था वो एक ग्रेट इवेंट बन गया लोगों के लिए कि उसका बेटा इंग्लिश बोलने लग गया पीपल रश टू हिज डोर स्टॉप अनाउंसिंग लोग उसके दरवाजे पर इकट्ठे होने लगे ये अनाउंस करने के लिए द अकाउंटेंट सन हैज कम कि अकाउंटेंट का बेटा आ गया है द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर यानी वो लड़का जो बेंगलोर पढ़ने के लिए गया था वो अब यहां आ गया है हियर इट सीम्स एंड कम रंगा इज हियर चलो आओ देखते हैं रंगा यहां पर है लेट्स गो एंड हैव अ लुक आओ चलते हैं और देखते हैं अट्रैक्ट बाय द क्राउड भीड़ से आकर्षित आई टू वेंट and stood in the courtyard and asked why have all these people come us bheed ko dekhte hue main bhi uski taraf attract hokar udhar chal diya aur uske aangan mein khada hokar maine pucha why have all these people come ye sare log yahan kyun aaye hain there is a no performing monkey here yahan koi bandar bandri ka khel to ho nahi raha hai a boy ek ladka a fellow without any brain एक फिलो बगैर दिमाग के सैड उसने कहा लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर और बिना अकल के इतनी ऊंची आवाज में बोला कि सभी लोग सुन लें व्हाट आर यू डूइंग हियर देन तुम यहां क्या कर रहे हो यंग स्टार इमैच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स ये बालक तो अपरिपक्व है तथा तौर तरीकों से अनभिज्ञ रहित Thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. ये सोचकर कि मेरी ये सब बातें पुराने जमाने की हो गई हैं मैं चुप रहा Seeing so many people's there, बहुत सारे लोगों को वहां देखकर रंगा came out with a smile on his face. रंगा बाहर आया और अपने चेहरे पर मुस्कुराते हुए Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता और ये हम क्या हैड वी ऑल यानी हम सब लोग अंदर चले गए और जो वो स्थान था वो बिल्कुल उसमें चेंज हो गया क्या
कि जैसा ब्लैक होल ऑफ कैलकाता, कैलकाता के अंतर्गत जो ब्लैक होल है, थैंक गॉड इट डिड नॉट इवन, शुक्र है भगवान का कि ऐसा नहीं हुआ, हम सब अंदर नहीं गए। वो कह रहा अगर हम ऐसे चले जाते तो वो उसमें टर्न हो जाता। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम, हर कोई ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि रंगा तो ऐसा ही है जैसे पहले गया था, ना इसके कोई सींग निकला है, ना कोई कान बड़े हैं, ना आंखें बाहर आई है, ना कुछ हो, कुछ चेंज नहीं हुआ। यानी लोग इतने सिंपल थे कि उन वो सोच रहे थे कि लड़का बेंगलोर गया तो उसमें कुछ ना कुछ नया होकर आया होगा। तो उन्होंने भगवान का शुक्र अदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि नहीं बच्चा तो ऐसा ही है जैसे गया था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। ही हैड बीन सिक्स मंथ्स एगो, जो जैसे वो 6 महीने पहले था वो ऐसा ही अब है। वेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट ओवर विलेज, जब उन्होंने पहली बार अपने गाँव को छोड़ा था, एन ओल्ड लेडी हु वॉज नियर हिम रन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, looked into his eyes and said, the January is still there. एक बूढ़ी औरत आई, उसने उसके सर पर हाथ रखा, उसकी चेस्ट पर हाथ फेरा, उसके मुंह पर हाथ फेरा और उन कहा कि ये तो वही बच्चा है। He hasn't lost his caste. She went away soon after that. Ranga's laughed. और उसने अपनी कोई जात नहीं खोई है। She went away, उसके जाने के बाद फिर रंगा को हंसी आई उसकी इस बात को सुनकर। वंस दे रियलाइज डेट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स सेम लेग्स आइस एंड नोज, द क्राउड मेल्टेड अवे, सब ने जब ये महसूस कर लिया था कि रंगा के वही हाथ हैं, वही पैर हैं, वही चेहरा है, तो धीरे धीरे वो क्राउड मेल्टेड हो गई, मतलब पिघल गई। मेल्टेड का मतलब पिघलना होता है, लेकिन छट गई यानी धीरे धीरे कम हो गई। लाइक ए लंप ऑफ सुगर्स इन ए चाइल्ड्स माउथ, जैसा कि बच्चे के मुँह में एक चीनी की मिठाई होती है, वो धीरे धीरे पिघल जाती है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहाँ लगा कंटिन्यू खड़ा रहा। After everyone had gone, सब लोग जाने के बाद, I asked, how are you, रंगप्पा? सब जाने के बाद मैंने रंगा से पूछा कि कैसे हो रंगप्पा? Is everything well with you? तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है? It was only then that Ranga's noticed me. ये केवल रंगा ही था जिसने मुझे notice किया। He come near me and did he नमस्कार and respectfully saying, I am all right with your blessing. वो मेरे पास आया, उसने मुझे नमस्कार किया और मेरे पैर छुए और कहा कि मैं आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। तो बेटा आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट हम कल रीड करेंगे। अभी आई थिंक थोड़ा लेंथी चैप्टर है, 2 क्लासें और लगेंगी इसमें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।